गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये जो है ना, सुबह का समय हो गया है। आज फिर एक नई सुबह हुई और मैं किचन में आ गई। मेरा वही रूटीन डेली का, नाश्ता बना रही हूँ सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए, ड्यूटी जाने वालों के लिए। और दोस्तों, आज नाश्ते में मैंने ना जो है पोहा बनाया है और ये चाय बन रही है मेरी। तो पोहा चाय और जो है ना, तब तक मेरे साहब पूजा कर रहे हैं जब तक हमारी नाश्ता और चाय बन करके रेडी हो जाएगा। तो सुबह हर मॉर्निंग ऐसे ही शुरुआत होती है मेरी। मुँह धो कर के सीधा किचन में ही घुस जाते हैं और बस लग जाते हैं अपने काम में जी। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। तो हम आज कुछ स्पेशल बनाएंगे और मज़ा आएगा, बिल्कुल चटकारे ले करके खाएंगे आज। तो अब जो है ना, नहा धो कर के हम दोपहर आ गए हैं दोस्तों, दोपहर का खाना तैयार करने के लिए। तो बेडरूम में ही बैठ गए हैं क्योंकि बहुत थकान सी हो रही थी, तो हम अंदर ही आ गए। बाहर कोई था भी नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो हम जो है ना, सब्जी काट लेते हैं। और सब्जी आज क्या बनाएंगे हम? गोभी आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे और दाल बनाएंगे और चावल रोटी, वही डेली का खाना। और दोस्तों, सब कैसा है हाल चाल? सब बढ़िया है? तो सब बढ़िया ही होना चाहिए, है कि नहीं? तो बस हम आ गए किचन में। ये 12 बजे का टाइम है दोस्तों और मेरा दोपहर का लंच तैयार हो रहा है। देखिए कितना किचन पूरा भरा हुआ है। दोस्तों, मेरी आलू गोभी की सब्जी मैंने जो है ना रसीली थोड़ी सी बनाऊंगी, क्योंकि हम थोड़े से कैंडिडेट ज़्यादा हो गए हैं, हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं, तो जो है ना थोड़ा सा काम में ज़्यादा ही बिजी हैं। तो क्या बनाएंगे? दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, आज यही मेरा खाना होगा। नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। तो दोस्तों जो है ना, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो कुछ भी करने के लिए, कहते हैं कुछ करने के पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। खोना मने मेहनत करनी पड़ती है, और क्या खोना है अपने ज़िंदगी में, है कि नहीं? तो ये है मेरा स्टोर रूम, सामने आप लोगों को दिख रहा है, जहाँ मैं कुछ ना कुछ ढूंढती हूँ, नज़र आती रहती हूँ। वहाँ मेरा भगवान जी भी बैठे हुए हैं और कुछ कुछ थोड़ा बहुत सामान भी रखा हुआ है हमारा, क्योंकि एकांत रहता है ना, तो मैं अपना मंदिर इसी साइड पर बनाया हुआ है मेरा। तो जो है ना, मैं हाँ ये इमली ढूंढने के लिए गई थी, तो मैंने जैसा बताया ना, आज हम कुछ चटपटा बनाने वाले हैं। तो दोपहर का खाना मेरा वही नॉर्मल रहेगा, लेकिन शाम को हमने सोचा है कि आज बहुत थोड़ा सा खास बनाएंगे, वही रोटी सब्जी खा करके हम थक गए हैं। और जो है ना, हमारे यहाँ पेरेंट्स जो होते हैं ना, बाहर जाके कुछ भी चीज़ें खा नहीं पाते हैं ना, मतलब जाना भी उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। और खाना तो हम बाज़ार से ला करके खिला सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग बाहर की चीज़ें भी खाना पसंद नहीं करते। तो अच्छा है ना, हम घर पे ही बनाएं हेल्दी सा और अच्छा, मतलब टेस्टी सा खाना। ये जो मसाले हैं मेरे थोड़े से दोस्तों, ये है सौंफ, जीरा और खड़ी वो है धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च। इसको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और मैं ना चटनी बनाने जा रही हूँ दोस्तों। खाना वाना मेरा बन गया है, उसी में मैंने शाम को ही फिर ये चटनी दोपहर ही बना ली थी। सारा खाना बना करके साफ़ सफाई करके सब लोगों को खिला दिया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा चटनी वगैरह बना लेती हूँ और आलू वगैरह बॉईल करके रख दूँगी, जिससे क्या शाम को मेरे को मैंने फटा जल्दी से हो जाएगा, मेरा काम थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो मैंने इसको गर्म पानी में भिगा दिया है, इमली को एक पैकेट। अब सभी बच्चे बड़े सब घर में हैं आजकल, तो ये देखिए इसको मैं अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। तो ना कुछ नाश्ता तो सही रहता है, हम बाहर से कितना लेके आएंगे ना, और जितना उतने में ही हम घर में इतना बना लेते कि इफ्राज हमारा पेट भर जाता है। देखिए इसको मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ, अच्छा बारीक सा पीस ली हूँ। तो अच्छा सा नाश्ता घर में बना के खिलाओ तो ज़्यादा अच्छा, हमको भी अच्छा लगता है ना, तो और बच्चे भी खुश होते हैं और भरपेट खाते हैं। बाहर से क्या, हम वही 100-150-200 का लेके आ जाएंगे, चाट पकौड़ी, और थोड़ा 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 ही होता है। और घर में बनाते हैं तो क्या, हम लोग इफ्राज सा बनाते हैं ना, अच्छे से पेट भर के खाते हैं। और कई बार तो ज़्यादा बन जाता है तो दूसरे दिन भी खाने को। अब जैसे इमली की चटनी हमने बनाई, चटनी वगैरह बनाई, तो ये तो स्टोर करके हम 3-4 महीना 5 महीना भी रख सकते हैं, क्योंकि पका हुआ है ना, ये तो ख़राब नहीं होने वाला। तो देखिए मैंने इसको भिगा के अच्छे से छान लिया, इसका सारा गूदा मैंने निकाल लिया है।
और मस्त बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि मैं ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कई बार क्या है ना बिल्कुल तुरंत खाने वाला गाढ़ा करके बनाती हूँ ना, तो जब फ्री में स्टोर करने के लिए रख देते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा और गाढ़ा हो जाता है। तो इस बार ना मैंने सोचा है थोड़ा पतला पतला बनाऊंगी, जैसे पतला ऊपर से डालने में अच्छा लगता है ना, जैसे बाजार में होता है। और इसमें मैंने एक कटोरी गुड़ डाल दिया है, 2-3 चम्मच चीनी डाल दी है। और उसके बाद टेस्ट कर लीजिए आपको कैसा खट्टा मीठा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग खट्टा मीठा। कई लोग देखिए बहुत ज़्यादा खट्टा खाते, कई लोग मीठा खट्टा ज़्यादा, मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठा में खट्टा। तो उस हिसाब से हमारा गुड़ और चीनी रहेगा। और इसमें ये जो मैं जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये जो अपना मसाला मैंने भून के पीस के बनाया था वो डाल दिया। और इसको अच्छे से पका एक लूँगी, भी मतलब इसका 15-20 मिनट तक पकने दूँगी। और इसमें थोड़ी सी मैंने किशमिश और चिरौंजी डाल दी है। इसमें वो भी डाल सकते हैं अपने खजूर के बीज जो होते हैं ना, खरबूजे के बीज, वो भी अपन डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास यही था तो मैंने डाल दिया। और ये देखिए मेरे आलू की टिक्की बनने की तैयारी, चटनी हरी बन चुकी है और क्या बोलते हैं इमली की चटनी तैयार है। और आलू को हमने उबाल लिया था अच्छे से, और आलू ऐसे उबालना है कि एकदम से गले हुए ना हो, थोड़े से कच्चे हुए आलू उबले उबले हुए होने चाहिए। अब पराठे के लिए अच्छा से पका के निकालते हैं ना, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा कच्चा अधकच्चा सा होना चाहिए। और इसको अच्छे से किस लिए हैं, और ये देखिए एक एक चम्मच आरा रोल हो या कॉर्नफ्लोर हो, या तो फिर आपके पास कुछ नहीं है तो चावल का आटा डाल लीजिए। और इसमें सारे मसाले डाल लिए, आलू में मैंने गरम मसाले, धनिया, हल्दी थोड़ा सा, और मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और ये से हरी धनिया थोड़ा सा डाल लिया, थोड़े से कटे हुए मैंने हरी मिर्च भी डाल दी। और ये देखिए थोड़ा सा चाट मसाला है तो वो भी डाल दीजिए। ये देखिए मैंने अमचूर पाउडर हो या अमचूर पाउडर, चाट मसाला, और ये सब चीज़ें डाल करके और बढ़िया से मिक्स कर लेना है हमको। ये देखिए एकदम मस्त से मिक्स कर लेना, मतलब बराबर से अच्छे से मिक्स हो जाए मेरे सारे मसाले। और ये देखिए मिल गए। और जब हम लोइयां बनाएंगे और टिक्की बनाना शुरू हो गया मेरा, टिक्की जैसे ऐसे नहीं बनेगी ना, तो इसमें क्या करना है, हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और बड़े आसानी से हाथ में आलू चिपकेगा नहीं और टिक्की हमारी बन जाएंगी। तो दोस्तों ये देखिए फटाफट हमारी टिक्किया बनना चालू हो गया है। तो किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों, आइए हमारे घर में, आज हमारे घर में आलू की चाट, टिक्की चाट, सॉरी टिक्की चाट बनने वाली है। आज यही खाएंगे हमारे यहाँ डिनर का, आज आज का डिनर मेरे यहाँ यही होगा। तो अभी देखिए इसमें मैं हरी हरी चटनी बना लेती हूँ। इमली की चटनी तो बनी हुई है, इसमें लहसुन डाल दिया है और हरी मिर्च और पूरा धनिया है, और 2 चम्मच मैंने जो है ना, 2 चम्मच के करीब इसमें जो है ना दही डाल दिया, और नमक डाल करके अच्छे से पतला पतला पीस लूँगी मस्त से। ये देखिए हमारी बन करके रेडी हो गई ग्रीन चटनी। और अब इसको हम सेलो फ्राई करेंगे टिक्कियों को, मस्त से तेल डाल करके, फ्राई पैन हो या कढ़ाई जैसा भी जिसमें आपको करना है, आपके पास जो भी हो। और ये देखिए मस्त से हमारा टिक्की बनने लगा है। और मेरे पास थोड़ा सा पानी पूरी, कई लोग बोलते हैं गुपचुप हो, वो मेरे पास पड़े हुए थे। पापड़ी भी, पापड़ी तो अभी बनी नहीं थी, लेकिन पापड़ी डालेंगे तो भी अच्छा लगता है। और ये भी मैं टिक्की में ही डालने वाली हूँ, तो ये मैं सब फ्राई कर लेती हूँ। मेरे पास तो गोलगप्पे पड़े हुए थे ड्राई वाले, तो इसको सबको तल लेती हूँ। तब तक एक घर मेरी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, दूसरी भी बन रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जो दोस्त नए आए हो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। आपके एक लाइक से हमें बहुत बल मिलता है, मैंने हमें एनर्जी मिलती है। तो आइए हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, देखिए बिल्कुल तैयार है मेरे चाट, सर्व करने जा रही हूँ, सब लोग खाने के लिए रेडी है। तो बस हमारी टिक्की तो पूरी मेरी बन गई है, क्योंकि 8 बजे से पहले कोई खाता नहीं हमारे यहाँ, तो सारी तैयारी तो मेरी हो गई थी। अब मैं सबको देने जा रही हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों के लिए भी मैं चाट की प्लेट लगा रही हूँ। थोड़े से हमने ना ये सुबह आलू गोभी की सब्जी, और ये भी मैंने बनाई थी मटर की सब्जी, तो मैंने इसको भी इसमें यूज़ कर लिया है, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा ग्रेवी वाला हो जाएगा, सूखा सूखा नहीं रहेगा। और इसमें हरा धनिया, प्याज कटी हुई, इस बारीक कटी हुई प्याज मैंने थोड़ी थोड़ी सब में डाल दी है चाट में, हरी धनिया, हरा मिर्च बारीक कटा हुआ है मेरे पास, वो डाल दूंगी। ये देखिए
मुंह में पानी आ रहा है। ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, दूसरे दिन ऐसे लग रहा है आज भी खा लूँ मैं। और ये गुपचुप मैंने फ्राई किया था ना पापड़ी की जगह पे, यही मैं तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। पापड़ी है तो पापड़ी डाल लीजिए, जो भी है आपके पास। बस तो अच्छा लगता है खाने में, क्रंची सा लगता है ना। ये देखिए, और इसमें काला नमक ऊपर से डाल दिया मैंने सब में। और ये लाल मिर्च पाउडर ऊपर से अच्छे से छिड़क दी हूँ, कि जिसको जितना खाना है मतलब काम ज़्यादा अपने हिसाब से। और ये ना काला वो सादा नमक है, सादा नमक का भी थोड़ा दोनों मिक्स होता है ना टेस्ट, तब ज़्यादा अच्छा आता है। नहीं ऐसे कम लगता है खाली लाल नमक में भी। थोड़ी थोड़ी मैं इसमें दही डाल देती हूँ। दही थोड़ी सी हमारी ना गाय का दूध का बनाते हैं तो थोड़ा सा पतला ही हो गया है। और ये हरी चटनी हो गई ऊपर से मस्त। पहले मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ सबको, क्योंकि जो है ना तीखी अगर लगी तो फिर खाने में दिक्कत होगी ना। तो जितना फिर जिसको लेना होगा उसका मैं और अच्छे से डाल दूंगा। और ये जीरा पाउडर है ऊपर से, मैं ना पिसा हुआ जीरा पाउडर वो डाल लेती हूँ। अब आया लास्ट में इमली की चटनी। तो किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है, एकदम लग रहा है खा लो। और ये ऊपर से सेव भुजिया हमने नमकीन चाट में डालने वाली वो डाल दी है, और बस मेरा रेडी हो गया, बढ़िया से मेरा रेडी हो गया। बच्चे तो बिल्कुल खड़े हुए थे। ये देखिए, आइए आप लोग खा लीजिए दोस्तों, चाट मेरी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए हम दे आते हैं, सब लोग बैठे हैं खाने के लिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।